तो देख लीजिएगा इस, मैं सुबह सुबह पूरी सेक रही हूँ और पूरी खाने का बहुत ही मन था बोल के पूरी बना लिया। कभी कभी मुझे अच्छा लगता है पूरी खाना, रोटी से ज़्यादा मुझे पूरी पसंद है, लेकिन पूरी इतना बना हुआ नहीं होता है, कभी कभी बना लेती हूँ। और मैं चाय के साथ भी पूरी खा लेती हूँ। आप लोग बताना चाय के साथ पूरी खाते नहीं खाते? मुझे चाय के साथ तो बहुत ज़्यादा पसंद होता है पूरी खाना, इसलिए मैं कभी कभी खा लेती हूँ पूरी के साथ चाय। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, और मैं हैदराबाद में रहने वाली हूँ। मेरे चाची के ब्लॉग में आपका सभी का स्वागत है। और आज मैं एक छोटा सा ब्लॉग बना रही हूँ घर का ही, तो अभी चाची का भी है। चाची पूड़ी बना रही है, घर में भी एक जन गेस्ट आए, चाची के फ्रेंड आए हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब? आए बच्चे होंगे गाइस, कल गया है दशहरा, दशहरा का वीडियो आप लोग देख ही लिया है। तो आज मैंने सुबह वीडियो स्टार्ट कर दिया, अभी नाश्ता वगैरह हमारा रेडी हो गया। और राम कितना को देखिए कैसा कर रहा है, राम कितना का देखे, काम कम करते हैं थकान ज़्यादा आता है। तो ये है, तो आज का वीडियो स्टार्ट कर दिया है, तो आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिए। पता नहीं आज के ब्लॉग में मैंने क्या डालेंगे, आप लोगों के साथ क्या शेयर करेंगे। संडे है आज, देखते हैं संडे का उसको स्पेशल होता नहीं होता। संडे स्पेशल तो मैंने बनाया अभी पूरी, पूरी बनाया और हम लोग पूरी से आज नाश्ता कर लिया है। और रामगिना बोल रहे हैं आज एक वीडियो बनाएगी, क्या वीडियो बनाएगी नहीं मालूम, अगर बनाएगी थोड़ा बहुत मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे, नहीं बनाएगा तो नहीं देंगे। तो गाइस मुझे कपड़ा ही नहीं दे रहा, मैं क्या वीडियो बनाऊं, खुद का कपड़ा ले लो। तो मुझे कपड़ा ही नहीं दे रहा गाइस, मुँह देखो बांद्री जी। तो बने रहिए हमारी वीडियो में। आज हमारे घर में बना संडे स्पेशल करेला कड़वा, करेले की सब्जी, सलाद, और जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आलू सब्जी। तो खाना वगैरह खा के संडे पुल के हम घूमने निकलने की है, तो हम लोग जाएंगे चार मीनार। और आज काजल वगैरह लगा लिया है पूरा, एकदम भर भर के काजल लगा लिया, लेकिन आने तक मेरा इतना अच्छे से काजल नहीं रहता क्योंकि मेरी आंखों से पानी निकलता है, लेकिन कभी कभी काजल लगाने का मन करता है, तो इसीलिए मैंने लगा लिया है। और हम लोग फालतू में गया चार मीनार में, क्यों फालतू में गया वो वीडियो देख के आप लोगों लास्ट में मालूम पड़ जाएगा। और काजल लगा के चश्मा लगाने का अलग ही ये तरीका है। और हम लोग पहुंच गया है, ये देखिए मदीना बोलते हैं, तो इधर से चार मीनार थोड़ा हम लोग पैदल चलते हैं, और इधर पैदल चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, पूरा रोड कवर कर लेते हैं ये दुकान वगैरह ने, मुझे मतलब सब दुकान बाहर ही बाहर ऐसे मेन रोड के ऊपर ही लगाते हैं, और साइड में ऑटो वगैरह बाइक कार सब कुछ जाते हैं, उसमें पैदल चलना बहुत ज़्यादा दिक्कत रहता है। और इसमें बहुत ज़्यादा भीड़ था, और चार मीनार में मतलब लोग बहुत हुआ है, दुर्गा पूजा गया सब लोग ऐसे ही घूमने गया संडे है बोल के, चार मीनार में बहुत ज़्यादा ये है, लोग तो है लेकिन क्या है, लोगों ने शॉपिंग नहीं कर पाया, शॉपिंग इसीलिए नहीं कर पाया जितना चार मीनार में इधर फील्ड में दुकान वगैरह होता है ना, जिस हिसाब से होता है उस हिसाब से दुकान नहीं, एक दो ही दुकान है। हम लोग भी फालतू में गया, असल में रामगिना को बहुत ज़्यादा मन था जाने का, संडे संडे कहीं घूमने नहीं गया है बोल के हम लोग निकलने लगे थे, तो इसीलिए जाके देखिए पूरा खाली है, इसमें दुकान वगैरह सब बंद है, प्लास्टिक से बंद करके रखा। फिर हम लोग मंदिर का दर्शन किया, भाग्य लक्ष्मी माता मंदिर दर्शन कर लिया, दर्शन करके बस हम लोग एक ही राउंड लगाया क्योंकि उसमें कुछ ना खरीदना है ना क्या है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी मेरे चप्पल वगैरह लेना था लेकिन सब कुछ दुकान बंद था बोल के हम लोग बस एक राउंड लगाया। एक राउंड लगा के कुछ ना कुछ देखा, ये बैग का ये है मतलब दो सारी है लेकिन जितना होना चाहिए उस हिसाब से नहीं है, और सब लोग आराम से इधर बैठ बैठ के रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि फिर तो ये है दुकान वगैरह का फिर नहीं है, लोग आया क्या करेगा, दुकान बंद है बोल के सब लोग इधर आराम से बैठ के ये कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग उधर से आके फिर चार मीनार के थोड़ा बाहर एक मिठाई का दुकान है, इस मिठाई की दुकान में हम लोग कभी भी चार मीनार जाते हैं तो मिठाई खा लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी टेस्टी मिठाई बनता है कलकत्ता। तो गाइस हम लोगों का आज शॉपिंग कुछ भी नहीं हुआ और हम लोग अभी निकल के आ गए क्योंकि आज दुकान ज़्यादा लगा नहीं है, और महंगा तो दुकान है ना, तो महंगा बहुत ज़्यादा करके रखा हुआ है। और इधर देखिए किशमिश कैसे बिक्री कर रहा है, किशमिश कैसे बिक्री कर रहा है,
हमारा आज काम नहीं हुआ तो हम अभी बस तक जाते हैं। और ये बस स्टैंड देखिए कितना भीड़ है, भीड़ बस में बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। हम लोग तो बस में उठ ही नहीं पाया, लेडीज़ के लिए फ्री है बोल के सब लेडीज़ बस में आते हैं। और उसके बाद हम लोग ऑटो से घर आया। घर आने के बाद अभी मैंने ये करने लगी हूँ, मैंने हो गया ये माता को चढ़ाया था हम लोग नारियल, वो घर में जो कलश लगाया था तो हम ये मैंने लड्डू बना लिया और राम कृष्णा बिलोना किया है। उसके बाद ये घी उबाल रहे हैं। तो गाइस आज का वीडियो में इतना ही, तो अभी मैंने रोटी बना लेती हूँ और काफ़ी टाइम हो गया, 9 बज गया लड्डू बनाते बनाते। मेरी ज़्यादा लड्डू नहीं है, एक ही नारियल का था थोड़ा सा ही बोल के फिर मैंने उसमें ये ऐड कर दिया, सूजी ऐड कर दिया, तो ऐसे बना लिया लड्डू। और ये वीडियो यहीं पे एंड करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट एक और वीडियो में। और मेरी ये काजल लगा हुआ देखिए फैल गया पूरा। तो वीडियो कैसा लगा, हम भी घर आ गए हैं। अभी भी देखिए गई चाची का मेकअप ही नहीं उतर, मैंने तो मेकअप ही नहीं करी थी, फिर भी मेरा ऐसा ही मैं मेकअप किया ही नहीं है, मेकअप कुछ भी नहीं किया, बस काजल लगाया था, लिपस्टिक लगाया था। ये तो स्किन इसीलिए स्मूथ दिख रहे हैं, ये मोबाइल का कैमरा अच्छा है इसीलिए स्मूथ दिख रहे हैं, इतना हालांकि इतना स्मूथ है नहीं। तो भाई मैं तो जैसी दिख रहे हैं वैसी ही, तो थोड़ा डिफरेंट होगा। बाय बाय, तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।